आज हम बड़े जेको मोती से माला जी बनाएंगे। रेड जेको मोती, ब्लू जेको मोती, ऑरेंज जेको मोती और वाइट कलर के जीरो साइज के जेको मोती। सबसे पहले हम सुई धागा लेंगे। हम एक साथ चार रेड मोती लेंगे, इस तरह से। और जो हमारा लास्ट वाला रेड मोती है, उसमें से हम सुई निकालेंगे इस तरह से। अब हम साइड वाले मोती में से निकल जाएंगे। अब हम फिर से तीन रेड मोती लेंगे और उसी मोती में निकलेंगे फिर से। अब हम नीचे की साइड के रेड मोती में निकल जाएंगे। वहाँ पे हम एक ऑरेंज, एक ब्लू और एक ऑरेंज मोती लेंगे और उसी रेड मोती में से वापस निकल जाएंगे इस तरह से। अब हम ऑरेंज मोती में से निकलेंगे और अब हम छह जेको मोती लेंगे। और जो हमारा दूसरी साइड का ऑरेंज मोती है, उसमें से हम निकलेंगे। और फिर से रेड मोती में से निकल के ऑरेंज मोती और तीन वाइट मोती में से निकलेंगे इस तरह से। फिर वहाँ पे एक वाइट मोती लेंगे और जो दूसरी साइड के वाइट मोती है, उसमें से निकलेंगे इस तरह से। अब हम ऊपर की साइड चले जाएंगे, रेड मोती में से होके ऊपर निकलेंगे इस तरह से। और अब हम रेड मोती में से निकल जाएंगे और बीच वाले रेड मोती में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक पैटर्न बन के तैयार हो गई है। अब हम फिर से तीन रेड मोती लेंगे और उसी मोती में से वापस निकलेंगे। और जो नीचे वाला रेड मोती है, उसमें से निकलेंगे और साइड वाले रेड मोती में से निकल जाएंगे। फिर से तीन रेड मोती लेंगे और उसी में से निकलेंगे। फिर से ऊपर की साइड वाले रेड मोती में और नीचे की साइड जाएंगे हम इस तरह से। नीचे नीचे वाले रेड मोती में भी निकल जाएंगे। अब वहाँ पे हम आगे के जैसे पैटर्न बनाएंगे। पहले ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज लेंगे, फिर हम ऑरेंज मोती में से निकल जाएंगे। अब हम छह वाइट मोती लेंगे और आगे वाले ऑरेंज मोती में से निकलेंगे। फिर रेड मोती में से निकल के ऑरेंज मोती में से होके तीन वाइट मोती में से निकलेंगे इस तरह से। अब वहाँ पे फिर से एक वाइट मोती लेंगे और जो तीन मोती वाइट है, उसमें से और ऑरेंज मोती में से निकल जाएंगे। फिर हम रेड मोती में से होके साइड वाले मोती में से ऊपर की साइड जाएंगे इस तरह से। और फिर से बीच वाले मोती में आ जाएंगे। अब वहाँ पे फिर से हम तीन रेड मोती लेंगे और उसी मोती में से निकलेंगे। फिर से नीचे वाले और बीच वाले रेड मोती में। अब हम फिर से तीन रेड मोती लेंगे और ऊपर की साइड का रेड मोती।
साइड वाला रेड मोती और नीचे की साइड वाला रेड मोती। अब फिर से ऑरेंज ब्लू और ऑरेंज लेंगे, ऑरेंज मोती में से निकलेंगे, छह वाइट मोती लेने हैं, और दूसरी साइड के ऑरेंज में से निकलेंगे, और रेड मोती में से होके ऑरेंज में से निकल के तीन वाइट में से निकलेंगे इस तरह से। अब हम एक वाइट मोती लेना है और दूसरी साइड के तीन वाइट और एक ऑरेंज में से निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम निकल गए। अब फिर से रेड मोती में से ऊपर की साइड चले जाएंगे, तरह से ऊपर की साइड, और लास्ट में फिर से बीच वाले मोती में आ जाएंगे। तो हमारी इस तरह से एक एक पैटर्न बनती जाएगी। हमें टोटल 5 पैटर्न बनानी है आगे इसी तरह से। तो हमने हमारी माला जी में बना ली है, और लास्ट में हम धागा गांठ लगा के धागा कट करेंगे। इस तरह से तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी माला जी बन के तैयार हो गए हैं। तैयार है हमारी बहुत ही खूबसूरत माला जी। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप देख सकें।